plot number 666 music launch happened recently in Andheri's Hard Rock Cafe. This is a horror film in which the lead role is being played by television daily soap show Satya's actor Nazim. Film's music has been given by Shibani Kashyap. Actors like Rajeev Khandelwal, Shibani Kashyap, Ajaz Khan, and Rashmi Desai, and many more celebs were present to wish good luck to the film. So let's ask these stars what do they have to say. क्योंकि आपको पता है कि आज जो फिल्में बन रही हैं ज़्यादातर हॉरर फिल्में बहुत बन रही हैं और हिट भी बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और बहुत हिट भी हो रही हैं द सेकंड थिंग मैंने ये सोच के नहीं आया था ये हॉरर फिल्म है जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे बताया गया था ये बहुत रियल स्टोरी है जो तमिल की स्टोरी है पहले इस नाम पर फिल्म बन भी चुकी है लेकिन हमने ये चीज़ें थोड़ी चेंज की हैं जो बहुत ट्रू हैं सो जब मैंने वो सुना तो मेरे रोंगटे जो होते हैं रोंगटे खड़े हो गए थे सीरियस ट्रस्ट और दूसरी चीज़ मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस चीज़ को मैनेज कैसे करूं, बिकॉज मैं उस टाइम पे एक तो गोभी शो छोड़ के जा चुकी थी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी साथिया की तो होते ही है कि लीड एक्टर हूँ तो वो सारी चीज़ें वो आप यकीन नहीं करोगे तो जब अजीज़ सर ने मुझे स्टोरी सुनाई थी तो अजीज़ सर ने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि नाजी ये स्क्रिप्ट है मैंने मतलब बहुत लोगों को देखा कि ये जो कर सकते हैं लेकिन मुझे तो सबसे डिफरेंट लगा बिकॉज हम लोग कभी मिले नहीं थे एज ए पार्टी में मिले थे सो इन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार मुझे जो इंसान दिख रहा है वो तू ही है बिकॉज तू दिखने में कुछ और है और है कुछ और वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हूँ कुछ और दिखने में कुछ और हूँ कुछ और है ना सो वो अजीज़ ने मुझ में मेरे में ढूंढा और मुझे कैरेक्टर करने के लिए बोला कि यार नाजिम बहुत अल्टीमेट कैरेक्टर है जो मेन लीड कैरेक्टर है हीरो है फिल्म का बहुत डिफरेंट है जो तेरे सीरियल में या तूने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा ये हमने वो चीज़ सोची है और तू ही कर सकता है तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको डायरेक्टर के साथ हमने सुना होगा जैसे सुभाष की हर फिल्म में दिखते हैं अपनी फिल्म में है ना ऐसे बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो हर फिल्म में दिखते हैं तो आपने पीछे देखा होगा कि कोई है कोई बाहर कोई है सो वो डायलॉग मेरे डायरेक्टर साहब का है इज अ पार्ट ऑफ द मुझे हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है पर मुझे चांस मिला एक हॉरर मूवी करने के लिए लाइक समथिंग डिफरेंट बहुत मज़ा आया क्योंकि मूवी देख के बहुत डर लगने वाला है क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक फिल्म है मैंने ट्रेलर देखा है और उसमें लग रहा है कि कुछ तो जैसे आइलैंड पे जाके इन्होंने प्लॉट पे शूट किया है ख़तरनाक जगहों पे आपको डर लगा ना हाँ मुझे प्रोमो देख के डर लगा हाँ इसके बाद और एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जो फीवर है जिसमें राजीव खंडेलवाल और गौहर खान है और एक पिक्चर की शूटिंग अभी कम्प्लीट की है लव के फंडे ये बहुत एक्साइटेड मूवी है सरप्राइजेस होते हैं इसमें बैक टू बैक कि आपको इसके बाद ये सीन आ जाएगा आप शॉक्ड हो जाएंगे और सभी हम न्यू आर्टिस्ट हैं सबने सुपर काम किया है और डायरेक्टर तो वेरी क्रिएटिव तो बहुत मज़ा आया मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन हमारा लॉन्च हुआ ट्रेलर लॉन्च इट वॉज रेनिंग हैवीली प्रॉब्ली बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और खान साहब फिर भी आए So we were excited, we were waiting. हम वेट कर रहे हैं खान साहब की एंड ही केम ऑन टाइम एक्चुअली तो वी वर हैप्पी वो इस तरीके की फिल्म है जिस तरीके की फिल्म आज तक नहीं बनी रोर द टाइगर ऑफ सुंदरबंस इज अ फिल्म अबाउट टाइगर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमंस मैंने मुझे लगता है कि मेरी सारी सीरियलों में मेरा किरदार बहुत अच्छे रहे स्पेशली उत्तरण काफ़ी लंबा चला और मुझे काफ़ी अलग अलग शेड्स प्ले करने मिले सो आई एम वेरी हैप्पी विद माय तपस्या एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी समथिंग डिफरेंट ऑन टीवी नाउ लेट्स सी नाज़िम माय वेरी गुड क्लोज फ्रेंड माय फैमिली फ्रेंड तो उसके सपोर्ट के लिए भी मैं यहाँ आई एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी बिकॉज म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है और इतना हार्ड वर्क करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचा है तो मैं जानती हूँ कि उसने बहुत मेहनत की है मुझे थ्रिलर बहुत पसंद है पर थ्रिलर के साथ हॉरर भी बहुत अच्छा लगता है पर कई कई बार इंडियन ऑडियंस है तो हम लोग रिश्तों भी बहुत मानते हैं तो थोड़ा सा ड्रामे के साथ अगर हॉरर देखने मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है These stars have always entertained their fans on the television screen. Now let's see how much will the film entertain its audience on the big screen. Hello everyone, this is Nandish Sandhu. Do watch India Forums and subscribe to What's Up TV.